हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास टेंथ की एक्सरसाइज 8.1, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें जितनी भी एक्सरसाइज होगी उसका बेसिक मैं उस एक्सरसाइज के शुरू में बता दूंगा, ठीक है। पूरा बेसिक एक साथ बताने से क्या है, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो एक एक्सरसाइज करेंगे, उससे पहले उसका थोड़ा बेसिक कर लेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो 8.1 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री इज द सिंपली स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। हमें इसमें क्या करना है, हमें ट्रिग्नोमेट्री में एक 90 डिग्री का एंगल दिया होगा, ठीक है। क्योंकि 90 डिग्री एंगल नहीं होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले कुछ भी अप्लाई नहीं होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री जहाँ अप्लाई होगी वहाँ 90 डिग्री का एंगल जरूर दिया होगा, ठीक है। तो ABC मान लो एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, 90 डिग्री का होगा, तो दो होंगे हमारे एक्यूट एंगल, ठीक है। इसके बेस पे हमें जो है इसके क्वेश्चन करने होंगे। तो इसमें पहले कुछ फॉर्मूलेस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है ये बताते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होगा, क्या होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, इसके बेस पे निकालते हैं। तो उसको लर्न करने के लिए हमें एक मेथड है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। पंडित से पी ले लिया, बद्री से बी, पी प्रसाद, एच हरी, हर एच एन भोले बी। तो इससे यह याद करने का तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब कैसे याद करेंगे, पी बाई एच क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। और बी बाई एच क्या होता है, कॉस थीटा। और पी बाई बी क्या होगा, टेन थीटा, ठीक है। इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, ठीक है। उसके बाद इसका उल्टा, यानी यहाँ लिखेंगे एच अपॉन पी क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। एच अपॉन बी कॉस का उल्टा, यानी इसका उल्टा होगा, कॉस का उल्टा क्या होगा, सीकेंट थीटा। बी अपॉन पी इट मीन्स टेन का उल्टा क्या होगा, कॉट थीटा, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं करना, सिंपल पहले याद करना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। और P बाई एच फॉर्मूला होता है साइन थीटा। P क्या होता है बताता हूँ, तो इसमें P मीन्स परपेंडिकुलर और H मीन्स हाइपरटेन्यूज। ये होता है आपका हाइपरटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने जो भी साइड होती है वो हाइपरटेन्यूज होती है। और ये एडजेसेंट एंगल और 90 डिग्री के से जो बनता है वो साइड होती है बेस, और ये वाली होती है इसकी एल्टीट्यूड बोल लो या परपेंडिकुलर, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे, साइन थीटा फॉर्मूला लिखना है आपको। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, ठीक है। अभी हम ये वाला एंगल ले रहे हैं, ठीक है, साइन थीटा। पी बाई एच, पी मीन्स परपेंडिकुलर क्या हमारा, ए बी। एच मीन्स हाइपरटेन्यूज क्या है, ए सी हो गया, ठीक है, फॉर्मूला बन गया। कॉस थीटा फॉर्मूला क्या है, बी बाई एच, ऐसे भी कर सकते हो आप, बी अपॉन एच, ठीक है, लर्न करने के लिए। तो बी मीन्स बेस क्या है, बी सी। एच मीन्स हाइपरटेन्यूज क्या है, ए सी, ठीक है। जैसे टेन थीटा का क्या होगा, टेन थीटा का होगा पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ए बी, बेस क्या है, बी सी। कोसेकेंड थीटा कह सकते हैं इसको, कोसेकेंड मीन्स क्या हुआ, यानी किसका उल्टा होगा, साइन का उल्टा, तो उसको लिखते हैं एच अपॉन पी, ठीक है, उल्टा हो जाएगा कोसेकेंड। एच मीन्स हाइपरटेन्यूज क्या है, ए सी, और पी मीन्स परपेंडिकुलर है, ए बी, ठीक है। सेकेंड थीटा होता है एच अपॉन बी, एच ए सी, बी क्या है, बेस क्या है, बी सी, ठीक है, ये हो गया। कॉट थीटा क्या होगा, बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस क्या है, बेस है बी सी अपॉन पी है परपेंडिकुलर, बी सी अपॉन ए पी, ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। ये हो गया आपके, कितने होंगे इसमें, 6 कॉन्टिन्यूस में है, ठीक है। इसमें टोटल 6 रेशियोज हैं, ठीक है, साइन कॉस टेन कॉसेक टेन सेकेंड एंड कॉट, ठीक है, 6 हो गए। अब इसका फॉर्मूला और क्या हो सकता है, साइन का यहाँ से देखेंगे, साइन का क्या होता है, रिवर्स कोसेकेंड, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेकेंड थीटा, ठीक है। जहाँ साइन है वहाँ 1 अपॉन कोसेकेंड लिख सकते हैं, जहाँ कॉस है कॉस का उल्टा क्या होगा, कॉस का उल्टा सेकेंड, ये हो जाएगा 1 अपॉन सेकेंड थीटा, ठीक है, फॉर्मूला बन गया अलग से, ये अलग है जहाँ मांगेंगे ये अलग है। टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा कॉट, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा। कोसेकेंड थीटा का क्या हो जाएगा, कोसेकेंड थीटा किसका उल्टा है, साइन का, तो 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा है, सेकेंड थीटा, कॉस का, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा किसका हो जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है, जो आपको लर्न करना पड़ेगा। अब हमने ये रेशियो निकाले विद रिस्पेक्ट टू सी, मतलब जब हमारा बी सी बेस है, अगर हमें आ जाए, ये तो सर मतलब साइन थीटा निकालना था, ठीक है, इसको साइन सी भी कह सकते हैं, ये था साइन सी,
साइन सी क्या था हमारा, ए बी अपॉन ए सी, ठीक हो गया। अब साइन सी की जगह अगर हमें बोले साइन ए निकालना, ठीक है, तो साइन ए अगर निकालने के लिए कहें तो कैसे निकलेंगे, तो इसमें क्या करना है आपको, बेस आपको चूज करना है, बेस कौन सा होगा जो हमें एंगल दिया होगा और 90 डिग्री का जो एंगल होगा उससे जो मिलती है लाइन वो बेस होगा। तो साइन ए लिखा है तो ए और बेस ये 90 डिग्री है एंगल, इससे जो मिल रहा है कौन सा बेस हो जाएगा, ए बी बेस हो जाएगा, ठीक है, ए बी को बेस मान लेना, ये बेस हो जाएगा तो बी सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसमें साइन ए निकालना है आपको, साइन ए का फॉर्मूला सेम रहेगा, पी अपॉन एच, पी क्या है परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा क्योंकि ए बी तो बेस हो गया है, ठीक है, तो बेस परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, बी सी हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी हाइपोटेन्यूज ए सी, ठीक है, दोनों में अंतर आ गया ना, दोनों अलग होंगे। तो ये ध्यान रखना आपको कि एंगल कौन सा दिया है, अगर सिंपली थीटा दे रखा है, थीटा देखना किसके सामने है, तो वो आपका बेस हो जाएगा, ठीक है, और अगर साइन सी बोला है फाइंड करने के लिए तो साइन सी लिख दिया और सामने देखा बेस 90 डिग्री कौन सा है तो वो बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर साइन ए बोला है तो ए रहा, 90 डिग्री कौन सा ये रहा, तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना है। करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी 24 सेंटीमीटर बी सी 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन, हमें फाइंड फर्स्ट करना है साइन ए एंड कॉस ए, सेकंड करना है साइन सी कॉस सी। तो पहले क्या देखा आपको, राइट एंगल बी, तो एक ट्राइंगल बना लिया जो 90 डिग्री के कहाँ पे है, बी पे, ए बी, ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर और बी सी है 7 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब फाइंड करना है साइन ए कॉस ए, इससे पहले हमने थोड़ा बेसिक देखा था, उसमें हमने पहले एंगल फाइंड करने का वो देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। अब हमें क्या करना है, साइन ए निकालना है, तो हमें देखना है एंगल कौन सा है, साइन ए, ए कहाँ है, यहाँ पे है, और दूसरा 90 डिग्री एंगल देखना है, 90 डिग्री एंगल कौन सा, बी, तो ए बेस क्या हो जाएगा हमारा, ए बी। अब देखना है हमें साइन ए का फॉर्मूला, फर्स्ट देखो साइन ए क्या होगा, साइन ए का फर्स्ट साइन ए होता है, ये होता है साइन ए, ये वाला होता है कॉस ए, मतलब कॉस थीटा जो भी है, तो साइन ए क्या होगा, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब साइन ए बेस को हो गया ए बी, तो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी, तो आ जाएगा बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, ए सी, ये आ गया। सेकंड में क्या है, कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए में क्या होगा, बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है, बेस यहाँ पे कौन था, ए था, तो बेस ए बी था यहाँ पे, तो ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, ठीक है, ये कर लेंगे। अब हमें ए सी फाइंड करना है, ए सी कैसे होगा, जब भी कोई ट्राइंगल 90 डिग्री का होता है तो हम उसमें कौन सा थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम से हम ए सी निकाल लेंगे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, इससे हम ए सी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी फाइंड करना है, तो ए बी का स्क्वायर क्या होगा, 24 का स्क्वायर प्लस बी सी क्या होगा, 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 को दो बार मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, कितना आएगा, 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 749, तो ए सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 625। अब ये स्क्वायर में है, हमें ए सी की निकालना वैल्यू, तो दोनों तरफ रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज ए सी कितना आ जाएगा, यहाँ से रूट से कैंसिल, रूट कितना, 625 किसका रूट होता है, 25 का, तो 25 ए सी कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर ए सी आ गया। अब फाइंड कर लेते हैं साइन ए क्या था, बी सी, बी सी क्या था हमारा, 7 अपॉन ए सी, ए सी क्या, 25 यहाँ पे, ए बी, ए बी कितना था, 24 ए सी कितना फाइंड किया हमने, 25, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या है, साइन सी, तो हमें निकालना है साइन सी। अब इसमें क्या देखना है हमको, हमको एंगल देखना है, सी ये रहा एंगल है और 90 डिग्री एंगल देखना है ये वाला, तो इसके सामने वाला जो ये साइड है ना, ये वाली मिल दीजिए जो, ये होगा हमारा बेस। अब फॉर्मूला लगा दो क्या था, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, पी परपेंडिकुलर, यानी ये बेस है तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा सब में, ए सी, पर इन दोनों में चेंज होगा बस। फिर उसके बाद फाइंड करते हैं क्या था, कॉस सी, कॉस सी सेम, कॉस सी का फॉर्मूला क्या है, बी अपॉन एच, बेस क्या है हमारा, बी सी, तो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, ए सी वैल्यू सबकी पता है हमें, ए बी कितना है, ए बी है 24 और ए सी कितना है, ए सी है 25, बी सी, बी सी कितना है, 7 और ए सी कितना है, 25, ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1।